मैंने क्या किया, मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया विदाउट वेट। Hey guys, hope you are doing good. आज का वीडियो है इस मेकअप पे। मैंने ये हॉलीडे काइंड ऑफ मेकअप यूज़ किया है विद दैट रेड लिपस्टिक। रेड विल गिव्स द वाइब ऑफ हॉलीडे एंड आई एम काइंड ऑफ लव दिस मेकअप। तो मैं अपने आईज़ पे बहुत लाइट मेकअप यूज़ किया है, नॉट दैट मैं आज कोई भी हार्श कलर पे नहीं गई हूँ। एंड फॉर द लिप्स आई एम यूजिंग दैट रेड वाइब्रेंट रेड कलर एंड इट इंस्टेंटली चेंज द गेम ऑफ योर मेकअप। एंड ये कर्ल्स मैंने भी अभी किए हैं, इसका हैक मैंने प्रिंटरेस्ट पे देखा था फॉर दिस टाइप दिस काइंड ऑफ कर्ल। वो मैं इस वीडियो पे आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी बट बिकॉज ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। मेरे पूरे बालों को कर्ल्स करने मुझे 1 आवर लगे। एंड इफ़ यू हैव दैट लॉन्गर हेयर एंड मोर वॉल्यूम हेयर देन यू नीड मोर देन 2 आवर्स और ऑलमोस्ट 2 आवर्स। सो आई थिंक यू विल लाइक दिस मेकअप एंड या इट्स रियली सिंपल एंड एवरी वन कैन डू दिस। ओके, ये बहुत ईजी मेकअप है एंड मैं एक ही आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉर दिस मेकअप। एंड या बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स हैं और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा बिकॉज या आई एम यूजिंग दैट वन ट्रिक ऑल्सो दैट आई हैव सीन ऑन माई प्रिंटरेस्ट, दैट इज़ दैट सेलो टेप वन। आफ्टर अप्लाइंग सेलो टेप आई मेकअप क्रिएट करना तो जस्ट चुटकियों में क्रिएट हो जाता है। एंड यस, आई एम लविंग दिस मेकअप विदाउट एनी एफर्ट, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा ये आई मेकअप करने में। आपको लग रहा होगा कि ये आई मेकअप कितना डिफिकल्ट है, ये हेयर्स कर्ल कितने डिफिकल्ट है, बट नो, दिस नीड्स मीन्स थोड़ा टाइम लगता है बट रियली इजी। बहुत बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ, बहुत बातें होगी अब वीडियो के बाद मिलते हैं। तो फर्स्टली आई एम गोना अप्लाई स्ट्रीक्स का हेयर सीरम ऑन माय हेयर्स एंड आई एम टेकिंग दिस 2 पंप ऑफ इट विद सम वाटर इन इट और मैं अपने दोनों हाथों को रब करके इस पर यूज़ करूँगी जिससे कि ये सारे बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉल सेक्शन ऑफ माय हेयर और मैं इसे अपने पेंसिल पे रोल करूँगी एंड प्रेस इट विद माय हेयर स्ट्रेटनर जिससे कि अच्छे से कर्ल हो जाए। Wow, look at this. So after this, it will look like this. Now I'm detangle this. Let's see. After detangles, it will give you more volume to your hair and wow, look at the curls. It look really amazing. So firstly, I'm doing my brow. For this, I'm using this Nykaa brow pencil. First, I'm gonna make it downwards and shaping up my brows with this Nykaa ब्रॉ पेंसिल और मैं अपने पार्श एरिया को भरूंगी जहाँ पे आई फील लाइक थोड़ी सी हेयर ग्रोथ कम है। एज यू कैन सी, यस, आई एम सेटिंग इट विथ माई स्पूली साइड। अब मैं अपने ब्राउज़ को अच्छे से शेप करूँगी एंड मैं अपने आईज़ को कंसील करूँगी। फॉर दिस आई एम यूजिंग मेबेलिन फिट मी कंसीलर, टेकिंग दैट ऑन माय कंसीलर ब्रश, इट इज़ लाइक दिस। सो आज का लुक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं अपने आई लुक डिफरेंट तरीके से क्रिएट करने वाली हूँ विथ अ काइंड ऑफ हैक यू कैन से। सो आज हम आई लुक पहले क्रिएट करेंगे देन वी विल मूव ऑन विथ आवर फेस लुक। नाउ आई एम ऑल्सो कंसीलिंग माई आईज एज वेल। नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विथ माई डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्लेंडिंग चेंज द होल गेम। यस, इट ब्लेंड्स रियली वेल। वाओ, सो मैं बैक कैमरा अपने इस आई को भी कंसील करके आती हूँ। नाउ अपने अंडर आई को भी कंसील करूँगी विद दैट सेम कंसीलर एंड दैट ब्रश। सो बेसिकली कंसीलिंग गिव्स यू अ क्लीन कैनवास पर अप्लाइंग आई शेडो जिससे कि आपका आई शेडो अच्छे से पॉप आउट हो पाता है। आफ्टर कंसीलिंग योर आईज यू हैव टू यूज एनी ट्रांसलूसेंट पाउडर बट आई एम यूजिंग दिस बनाना बेकिंग पाउडर बाय मेकअप रेवोल्यूशन एंड टेकिंग दिस ऑन माई स्मॉल ब्रश एंड अप्लाई इट ऑन द कंसील्ड एरिया। सो हियर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो आई एम गोना यूज दिस सेलो टेप प्लेसिंग इट कॉर्नर ऑफ माई आईज और मैं अपने लोअर लैश लाइन से थोड़ा दूर रखूंगी। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस निका के आई शेडो पैलेट एंड टेकिंग दिस इन ब्राउन कलर, इट्स अ काइंड ऑफ एंगल्ड ब्रश। नाउ मैं इसे अपने आईज के कॉर्नर्स में यूज़ करूँगी, आप देख सकते हैं।
एंड मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी जो स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे भी यूज़ करूँगी। नाउ टेकिंग दिस कलर ऑन माई क्रीज, टेप को हटाऊंगी एंड नाउ लुक एट द शेप आई गॉट विथ दैट सेलो टेप। नाउ आई एम डॉटिंग इट ऑन माई फिंगर्स। नाउ टेकिंग माई डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्लेंड इट प्रॉपरली। नाउ आई अप्लाई काजल एंड टाइट लाइन माई अपर वाटर लाइन। सो नाउ इट्स फॉर लाइनर टाइम। आई एम यूजिंग इट ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज टू गिव इट फॉक्सी इफेक्ट and make a small kind of wing. So now I'm gonna apply highlighter and इसे मैं अपने eyelids के inner corner पर लगाऊंगी with the brush and spreading it with my fingers. और आप अगर चाहो तो अपने उंगलियों से भी लगा सकते हो। I forgot to curl my lashes. So for this I'm using this Vega eyelash curler and pressing this. ना मैं ये मस्करा यूज़ करूँ। विदाउट मस्करा आई मेकअप इज टोटली इनकम्प्लीट। ना अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। सो आई मेकअप वेंट रियली गुड। ना अब फेस की बारी है। यूजिंग दिस माई नायका का ब्लश एंड आई एम टेकिंग बोथ द कलर्स ऑन माई ब्रश डस्ट एक्सेस और मैं इसे अपने दोनों चिक्स और टिप ऑफ नोज पे लगाऊंगी फॉर दैट विंटर ब्लश लुक। अब मैं Maybelline का हाइलाइटर अपने हाइलाइटर ब्रश पे लूँगी और अपने चीक बोन्स, ब्राउ बोन्स, टिप ऑफ नोज, क्यूपिड्स, चिन पे यूज़ करूँगी। सो इट्स द लास्ट स्टेप एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप एज इट विल चेंज द होल मेकअप। यूजिंग दिस रेड लिपस्टिक एंड आई एम रेडी फॉर हॉलीडे। गैस वॉट मैंने क्या किया, मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया विदाउट वेयरिंग माई इयर रिंग्स। मैं इयर रिंग पहनना भूल गई और मैंने जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो पे मैंने आज यूज़ किए हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दूंगी। सो आप चेक करना मत भूलना एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलना कि ये मेकअप आपको कैसा लगा। एंड अगर आप ये मेकअप कर रहे हो देन प्लीज़ डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज उमाशी एंड यस दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वो बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूल क्योंकि आपके मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो। एंड यस विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।